आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2.5 लाख से ज्यादा नए केस मिले। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के चप्पे चप्पे पर चौकसी, आज ही होगी वीरता पुरस्कारों का ऐलान, राष्ट्रपति करेंगे देश को संबोधित। विधानसभा चुनावों के बीच पीएम मोदी आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। महाराष्ट्र के वर्धा में सड़क हादसे में 7 मेडिकल स्टूडेंट की मौत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर कसा तंज, कहा लिस्ट नई है, अपराधी वही है। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। सीतापुर में आखिरकार सपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। सपा ने जहां अपने 6 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो वहीं मिश्रित की सीट सुभाषपा के खाते में चली गई है। अभी सपा ने सिधौली और लहरपुर में अभी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। बता दें कि सीतापुर में 9 विधानसभाएं हैं, जिसमें से 5 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिरौली विधानसभा सीट से 7 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो गए हैं। नामांकन खारिज होने के प्रत्याशियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। वो अपने तमाम समर्थकों के साथ पहले तो कलेक्ट्रेट परिसर में गए, जहां उन्होंने जमकर हंगामा काटा। मौके पर एसडीएम सिटी और डीएसपी तैनात, भारी पुलिस बल फोर्स तैनात रही और साथ ही मौके पर प्रशासन भी मौजूद रहा। मामले में जानकारी देते हुए एडीएम सिटी ने बताया कि बरौली विधानसभा से कई प्रत्याशियों के पर्चे कई त्रुटियों की वजह से आरओ ने रद्द कर दिए हैं। प्रत्याशी थे हमारे बरौली विधानसभा के, वहां के आरओ ने एफिडेविट में और फॉर्म में कुछ कमियों के पाते हुए, और इन लोगों को नोटिस भी दिया गया था, मतलब रिमाइंडर कि आप अपना कमी है तो उसको पूरा करा लें जी। उसके बाद भी कुछ लोगों के फार्म में कमियां रहीं, गलतियां रहीं, और अधूरे फार्म भरे जाने की वजह से कुछ फार्म रिजेक्ट हुए होंगे। वो रिटर्निंग ऑफिसर का अपना ज्यूरिडिक्शन होता है, उसमें दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो 11 बजे से 3 बजे आज स्क्रूटनी थी, तो उसमें कुछ लोगों के फार्म रिजेक्ट हुए, उसकी वजह से ये लोग अपना अप्लीकेशन लेकर के आए थे। अप्लीकेशन डीएम साहब को दे भी दिया, हम लोगों को भी दे दिया, बात भी हो गई, उसी को लेकर के ये थोड़ा सा दिक्कत थी। प्रशासन के द्वारा सरकारी दबाव में, भाजपा के दबाव के कारण इन लोगों ने 13 में से, बरौली विधानसभा पे जो 13 नामांकन हुए थे उनमें से 9 नामांकन कैंसिल कर दिए हैं। ये पूरा प्रशासन का दबाव है, बहुत ही छोटी मोटी गलतियों के कारण, और जो छोटी मोटी गलतियां भी सभी के सभी प्रत्याशी, अगर मौका मिले तो वो मौका मिला हुआ था, हम सभी लोग सुबह समय से यहाँ पहुंचे हुए थे, सुबह 10 बजे के सभी लोग वहाँ पे एडीएम फाइनेंस के दफ्तर में सभी लोग उपलब्ध थे, और सभी ने अपनी कमियां जो थी वो पूर्ण कर ली थी, सब उनको दे रहे थे, लेकिन उन्होंने लिया ही नहीं। उस समय वहां पर कोई अधिकारी उपलब्ध ही नहीं था। उन्होंने कहा कि अधिकारी आएंगी, एसडीएम मैडम आएंगी, आरओ ऑफिसर आएंगी, जब आएंगी तो सबको नाम ले लेके बुलाएंगी। सबको नाम ले लेके अंदर बुलाया गया, और अंदर बुला के सबके पर्चे कैंसिल करके सबको हाथ में पकड़ाते गए। अधिकारी ने हमारे साथ अन्याय किया है, घोर अन्याय किया है, साजिश रची है। हमने अकाउंट नंबर 2 हमारी कमी बताई है उन्होंने, अकाउंट नंबर जबकि मैंने उसी दिन एक्टिवेट कराकर उसी दिन लगा दिया है, उसके बावजूद 21 तारीख को जो मुझे नोटिस दिया गया था कि प्रारूप 26 इनकम्प्लीट है, मैंने 22 को कंप्लीट किया है। और अगर मैंने उस मैडम से बोला भी थी उन्होंने कि मेरा प्रारूप 26 अब इनकम्प्लीट हो मैडम मुझे बताइए, तो मैडम ने बोला कंप्लीट है। प्रतापगढ़ के रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता कुलवंत सिंह ने अपनी राजनीति में आने और क्षेत्रीय लोगों की सेवा करने का उद्देश्य बताया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी रामपुर खास से विधायक पद का उम्मीदवार हमें घोषित करती है तो निश्चित तौर पर रामपुर खास में मैं कमल खिलाने का काम करूंगा, केवल रामपुर का विकास करना मेरा मूल उद्देश्य है। राजनीति में आने का उद्देश्य हर आदमी चाहता है कि राजनीति करे, जनता की सेवा करे, और मेरा भी यही एक उद्देश्य है कि भाई सब कुछ किया, परिवार पढ़ाई कंप्लीट किया, उसके बाद बिजनेस कर रहे थे,
अब सब कुछ हो गया, चलो ठीक है। मैंने सोचा कि चलो जनता की सेवा भी करनी चाहिए, जिस मातृभूमि से जुड़ यहाँ पर है हम लोग। इसके बाद यहाँ से पढ़ाई करने के बाद कलकत्ता गए, वहाँ से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। और बिजनेस कंप्लीट करने के बाद, कंप्लीट तो नहीं होता है, वो चल रहा है, उसके बाद में मुझे लगा कि भाई अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में वापस आना चाहिए। वापस आने का सबसे अच्छा उद्देश्य यही होता है कि आप राजनीति में आएंगे तभी सेवा कर पाएंगे, क्योंकि वैसे अगर आप करना चाहें तो ऐसा नहीं है कि सेवा करना कोई छोटे स्केल पे करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन बड़े स्केल पे करना है तो आपको राजनीति में आना होगा। और विधानसभा का चुनाव एक ठीक है, क्योंकि उसके नीचे चुनाव। संभल में सपा विधायक पिंकी यादव अपना नामांकन दाखिल करने बहजोई कार्यालय पहुंची। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार में कुछ काम नहीं हुआ है, जबकि सपा सरकार आने पर पिंकी यादव असमोली विधानसभा का विकास करेंगी और स्कूल अस्पताल बनाएंगी। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। जो शिक्षण संस्थानों को बनाने के कार्य और जो चल रहे थे, जहाँ पे पैसा नहीं दिया गया सरकार के द्वारा, जो अधूरा पड़ा है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सुदृढ़ करना चाहूँगी। साथ साथ बच्चों के खेल कूद के लिए, अगर क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिभाएं बहुत हैं और क्योंकि मेरा पूरा क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है, तो प्रतिभाएं भी बहुत हैं, उनको बढ़ने के लिए आगे मौका मिले तो स्टेडियम्स के लिए ऊपर काम करना चाहेंगे, जहाँ पर छोटे छोटे स्तर से मिनी स्टेडियम से लेकर बड़े स्टेडियम बने, जो बच्चे यहाँ से सीख कर जो है बाहर तक भी और आगे बढ़े, देश को गौरवान्वित करने का काम करें। और जो सड़कें वगैरह जो अधूरे रह गए, जिसके सरकार जो है गड्ढे भी नहीं भर पाई, तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि इस असमोली विधानसभा का, जिस तरह से वर्ष 2012 से 17 में चहुमुखी विकास हुआ था, उससे अधिक विकास करके इस असमोली विधानसभा की एक अलग। खबर उन्नाव से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री की गाड़ी के सामने महिला ने आत्मदाह का प्रयास करते हुए सपा नेता राजोल सिंह पर बेटी के अपहरण करने का गंभीर आरोप लगाया। इस दौरान महिला ने बताया कि सपा नेता के दबाव में 50 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके बाद महिला ने ये कदम उठाया है। वहीं SSP ने इस मामले में कहा कि महिला की तहरीर के आधार पर केस दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लिया गया है। तो उन्नाव से ये खबर है, जहां पे गाड़ी के आगे आत्महत्या करने की कोशिश की गई। जनपद उन्नाव के थाना कोतवाली में एक 22 वर्षीय युवती के अपहरण के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस मामले में संदेही आरोपी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अपहृता की सकुशल बरामदगी हेतु दो टीमें लगाई गई है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभाषु जुड़ चुके हैं। विभाषु, गाड़ी के आगे कूदकर आत्मदाह की कोशिश की गई है, क्या कहेंगे इस पे? सिखा कल समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश कार्यालय है, वहाँ एक औरत आती है और अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह का प्रयास करने लगती है। वहीं जब मामला संज्ञान लेती है, पुलिस उसको रोकती है, तो मामला सामने आता है कि पिछले 50 दिनों से उसकी बेटी कहीं गायब है। और साफ तौर पे उसका कहना है कि सपा नेता जो राजोल सिंह है, उन बेटी का अपहरण के आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि SP का इस पे बयान आया है कि इसके लिए दो टीमें बनाई गई हैं और आरोपियों को गिरफ्त कर जल्द ही उनसे पूछताछ कर बरामदी की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के ठीक सामने पेट्रोल छिड़क कर महिला ने आत्मदाह का कोशिश किया। साफ तौर पे हम कह सकते हैं उसे इंसाफ नहीं मिल रहा था, तो इंसाफ की तलाश में वो पेट्रोल छिड़क के इस फैसले को लिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि SP के बयान के बाद कब तक उसकी बेटी बरामद हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभाषु बड़ी त्रिपाठी जुड़े थे। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां TET परीक्षा में निकलची गैंग पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 पुरुष समेत 3 महिलाएं शामिल हैं। पकड़े गए 3 सॉल्वर अलग अलग परीक्षा केंद्र पर दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे, जिनके पास से प्रवेश पत्र, मार्कशीट और ID भी बरामद किया गया है। इसके अलावा एक महिला परीक्षार्थी ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल कर रही थी, जबकि एक महिला परीक्षार्थी अपनी सीट बदलकर दूसरी सीट पर बैठकर परीक्षा देती हुई पकड़ी गई।
तो इन्होंने 5 केसेस के बारे में बताया जिसमें उन्होंने अपना पैसा लिया था, और उनमें से 3 तो पकड़ ही गए हैं, बाकी 2 लोगों की अन्य तलाश जारी है। अन्य बाकी लोगों से उन्होंने कितना पैसा लिया उसके बारे में CPU में इनके पास क्या रिकॉर्ड है उसको एनालाइज करके हम लोग पता कर लेंगे। उनके पास से आधार कार्ड की भी अच्छी खासी संख्या बरामद हुई, जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य लोगों से भी इनकी बात चल रही होगी, परंतु इसके विषय में भी छानबीन चल रही है और छानबीन करने के पश्चात ही इसमें। गणतंत्र दिवस की तैयारियां इन दिनों जोरों पर है, क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर सेना के सभी अंगों के सशस्त्र बलों की टुकड़ियां अपनी जिस आकर्षक परेड से देश की ही नहीं दुनिया का दिल जीतती हैं। सैनिकों को 1 महीने से ज्यादा समय तक लगातार इसके लिए अभ्यास करना होता है। इन दिनों वही अभ्यास युद्ध स्तर पर जारी है। इसी क्रम में आज पुलिस लाइन के मैदान में SSP के समक्ष पुलिस के जवानों ने रिहर्सल किया। SSP ने बताया कि हर साल की इस साल भी गणतंत्र दिवस पर भव्य परेड पुलिस लाइन में होगी, जिसमें पुलिस की कई टोलियां प्रतिभाग कर रही हैं। यही परेड गणतंत्र दिवस के दिन भी दिखाई जाएगी। सभी अवगत है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनपद में एक भव्य परेड का आयोजन जनपद पुलिस लाइन में होता है। उसी के पूर्व आज फाइनल ड्रेस रिहर्सल था और इसमें समस्त टोलियों में हिस्सा लिया। जिस तरह का कार्यक्रम उस दिन होगा हूबहू वही रिहर्सल ये किया जाता है फाइनल टच देने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि गणतंत्र दिवस पर एक भव्य परेड आप सभी को। अयोध्या धाम में राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया 3रे चरण का कार्य विधि विधान से पूर्वक पूजन अर्चन के बाद प्रारंभ कर दिया गया है। लगभग जून माह तक इस 3रे चरण के प्लिंथ निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव निर्मोही अखाड़ा के महंत सहित कार्यदायी संस्था के इंजीनियर और अधिकारी मौजूद रहे। मंदिर निर्माण के लिए तैयार किए गए फाउंडेशन पर पहले लेयर में 1800 पत्थर के ब्लॉक लगाए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि पर राफ्ट के ऊपर पूजन विधि द्वारा ग्रेनाइट पत्थर के ब्लॉक रखकर मंदिर की कुर्सी ऊंचा करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राफ्ट के ऊपर पूजन विधि विधान के द्वारा ग्रेनाइट पत्थरों का प्लिंथ रखने का काम प्रारंभ कर दिया। यह प्लिंथ 6.5 मीटर ऊंची होगी, 5 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 2.5 फीट मोटा। ऐसे लगभग 17,000 ग्रेनाइट के पत्थर एक के ऊपर एक रखकर 6.5 मीटर ऊंची प्लिंथ तैयार हो जाएगी। उसके बाद मंदिर बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वेब शुगर मिल में एक बड़ा हादसा हो गया। मिल में ऊंचाई से गिरकर कर्मचारी की मौत हो गई है। ये कर्मचारी रिपेयरिंग के लिए ट्रायंगल कैची काटने के लिए ऊपर चढ़ा पर अचानक नीचे गिरा और इसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में एक अन्य युवक भी घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। जिनके साथ हादसा हुआ वो मेरे चाचा थे। क्या नाम है उनका? लोकेश। क्या हुआ था? रोहित है, वो कैंची काट रहे थे ऊपर जो होती हैं कटर से, तो वो कैंची एक जो काटी उसने झटका मार दिया, सारी कैंची नीचे आ गई और वो भी नीचे आ गई, वो कैंची पर गिरे, फिर उनके ऊपर कैंची गिरी 3-4 दीवार में गिरी, दीवार विवाल कुछ नहीं गिरी। उसके बाद जो ऊपर की जो बस वो गिरी थी। उसके बाद क्या हुआ? कैंची गिरी है, दीवार भी गिरी है, दीवार भी गिरी है। हाँ, खबर लखीमपुर से है, जहां मैंगलगंज में मालगाड़ी की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। दोनों महिलाएं खखरा स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगवाने के लिए गई थी, जहां से वापस आते समय दोनों महिलाएं नवनिर्मित रेलवे ट्रैक पर चल रही थी, तभी मालगाड़ी की चपेट में आने से महिलाओं की मौत हो गई। खबर मिर्जापुर से है, जहां विंध्याचल थाना क्षेत्र के बंगाली चौराहे के बैंक ऑफ बड़ौदा ATM के सामने गोली चलने से अफरा तफरी मच गई, जबकि गोली चलने से एक युवक घायल हो गया, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया है। और यह हादसा उस वक्त हुआ जब
एजीएस कंपनी की गाड़ी एटीएम में पैसा भरने आई थी, तभी ड्यूटी कर रहे गार्ड की बंदूक गिरने से अचानक गोली चल गई। ये एटीएम हमारे एजेंसी है जो कैश लोडिंग करने आती है हमारे यहाँ एटीएम में, और इत्तेफाक से हुआ क्या कि वो बंदा यहाँ बैठा था, जो मुझे जानकारी मिली है एटीएम कार्ड के थ्रू, उसका गन शायद मिसफायर हो गया अनइंटेंशनली, और गलती से उसका हाथ ऐसे रखा हुआ था तो एक हाथ इसका ये अंगूठा फट गया और ये हाथ की चार उंगलियों में लगभग फायर हो गया। उसको तुरंत हमने नियर बाई विंध्याचल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा है, अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।